राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए होली का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। होलिका दहन की रात को जो उपाय किए जाते हैं वह अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आपके घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही परिवार में खुशियां भी आएंगी। होलिका दहन की रात उपाय टोने टोटके और तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि होलिका दहन की रात को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां ही अपने चरम पर होती हैं। दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है होलिका दहन की अग्नि में सभी नकारात्मक शक्तियां, बुरी शक्तियां जलकर नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जिन्हें अगर आप अपनी समस्या के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में डाल देंगे तो आपकी सभी समस्याएं भी होलिका दहन की अग्नि के साथ जलकर भस्म हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें होलिका दहन की अग्नि में डालने से हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि खुशियां हमारे घर से कोसों दूर चली गई हैं और चारों तरफ निराशा का माहौल हो जाता है, घर में अशांति बनी रहती है। तो घर में खुशियों को वापस लाने के लिए आप 7 कौड़ी लें। कौड़ी आपके घर में पहले से रखी हैं तो वह भी ले सकते हैं या आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो कौड़ी आपने माँ लक्ष्मी के पूजन में इस्तेमाल की हैं उन कौड़ी से आप यह उपाय ना करें। कौड़ी लेने के बाद आपको इन 7 कौड़ियों को अपने सिर पर से 7 बार बारना है, यानी कि 7 बार क्लॉकवाइज आपको यह कौड़ी अपने सिर पर से उतारनी है। कौड़ी उतारने के बाद आप इन 7 कौड़ियों को होलिका की अग्नि में डाल दें और फिर होलिका की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात आप अपने घर की सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से घर की सभी समस्याएं एक के बाद एक खत्म होती चली जाएंगी। घर में जो निराशा और अशांति का माहौल है वह भी खुशियों में बदल जाएगा। दोस्तों, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहे हैं तो आप उस बच्चे के हाथ से एक साबुत सूखा जटा वाला नारियल, एक पान का पत्ता और एक सुपारी होलिका दहन में डलवा दें। होलिका में यह सामान चढ़ाने के बाद आप होलिका की बच्चे से 7 परिक्रमा करवाएं, फिर पढ़ाई से संबंधित समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना कराएं। इस तरह होलिका में यह वस्तुएं अर्पित करने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और उसे अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आपको अज्ञात भय की आशंका हो अथवा किसी ने कुछ ऊपरी या तांत्रिक कर्म आप पर या आपके परिवार के किसी सदस्य पर करा रखा है या आपका पूरा परिवार ही इस समस्या से पीड़ित है तो आप होलिका दहन के दिन एक साबुत जटा वाला सूखा नारियल लाएं। ध्यान रखें, नारियल ना तो चटका हुआ होना चाहिए और ना ही पानी वाला होना चाहिए। आपको सूखा जटा वाला नारियल लेना है, ऐसा नारियल लेना है जो हिलाने पर बजे। अब इस नारियल के साथ थोड़ी सी काले तिल और थोड़ी सी पीली सरसों भी रखें। इन सभी सामान को आप एक काले रंग के कपड़े में रख लें। ध्यान रखें, कपड़े में गांठ नहीं लगाने हैं। आप अगर सही से ना पकड़ पाए तो किसी प्लेट में आप काले रंग का कपड़ा रखकर उसके ऊपर यह सामान रख सकते हैं। अब यह सभी सामान रखने के पश्चात अगर आपके पूरे घर में यह समस्या है तो आपको इस नारियल को अपने घर के अंदर से चारों ओर घुमाकर बाहर आना है, यानी कि आपको इस नारियल को और इन पीली सरसों और तिल को अपने घर के हर रूम में, किचन में, बाथरूम में, हर जगह इसे घुमाकर लाना है और माँ काली से मन ही मन प्रार्थना करते रहना है कि हे माँ काली, हे बजरंगबली, जो भी हमारे घर में समस्या है वह सभी आप इस नारियल में कैद कर लीजिए।
घर में घुमाने के पश्चात आप अपने मेन गेट के अंदर ही अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से एक एक करके आप इस नारियल को 7 बार उतारें। हर सदस्य के ऊपर से आप इस नारियल को 7 बार उतारें। ध्यान रखें, यह नारियल आपको पैर से लेकर सिर पर से घुमाते हुए ऐसे 7 बार उतारना है, यानी कि पूरे शरीर पर से उतारना है, सिर्फ सिर पर से ना उतारें। अगर यह समस्या आपके परिवार में किसी एक ही सदस्य पर है तो यह नारियल आप सिर्फ उसी सदस्य के ऊपर से उतारें और अपने घर में या घर के बाकी सदस्यों के ऊपर इस नारियल को ना उतारें। नारियल उतारने के पश्चात अब इन सभी सामग्री को आप नारियल के साथ इस काले रंग के कपड़े में बांध दें और फिर इस नारियल के ऊपर, कपड़े के ऊपर से ही आपको नारियल के पेट पर कलावे के 3 लपेट लपेटने हैं और गांठ लगानी है। दोस्तों, सदस्यों के ऊपर से भी नारियल उतारते समय आपको बजरंगबली माँ काली से प्रार्थना करनी है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो भी समस्या है वह सभी इस नारियल में कैद हो जाए। नारियल उतारने के पश्चात आप बजरंगबली माँ काली से प्रार्थना करें कि जो समस्याएं इस नारियल में कैद हैं इन सभी को आप होलिका दहन की अग्नि में होलिका के साथ जलाकर नष्ट कर दीजिए। अब इस नारियल को ले जाकर आपको होलिका की अग्नि में डाल देना है और होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। दोस्तों, इस उपाय को करने से अज्ञात भय जो होता है वह हट जाता है। ऊपरी कोई समस्या होती है, किसी ने कुछ करा धरा होता है, किसी की बुरी नजर होती है, तो वह भी होलिका की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाती है। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिन महिलाओं को पीरियड है आप उन पर से इस नारियल को ना उतारें और ना ही वह महिलाएं इस नारियल को छुएं। अगर आपके घर ऐसी कोई समस्या है तो आज के दिन आप सफ़ेद चीज़ें ना खाएं। महिलाएं अपने बाल खोलकर ना रखें और आज के दिन सौंदर्य प्रसाधन भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है, इसलिए आज के दिन इन चीज़ों से बचें। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि और तरक्की के लिए आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें, 1 पान का पत्ता लें। अब इन लौंग को आप शुद्ध घी में भिगोकर पान के पत्ते पर रख दें और 1 बताशा भी रख दें। अब इस पान के पत्ते, लौंग और बताशे को आप जलती हुई होली में डाल दें और फिर होली की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप माँ लक्ष्मी के इस मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का मन ही मन जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी से अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, होलिका दहन में इस तरह यह सामग्री अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की हानि नहीं होती। यह उपाय परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग करना है। दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है या स्वभाव में चिड़चिड़ापन अधिक रहता है तो आप आज एक मुट्ठी काले तिल लें और उस व्यक्ति के सिर पर से, या फिर अगर आपको गुस्सा आता है तो अपने सिर पर से 7 बार इन काले तिल को उतारें और फिर होलिका की अग्नि में डाल दें। इसके बाद आप होलिका की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और चिड़चिड़ापन और गुस्सा दूर हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको बार बार धन की हानि हो रही है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप होली के दिन एक आटे का 4 मुखा दीपक तैयार करें। इसमें 4 बाती लगाएं और सरसों का तेल भरें। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर उसके ऊपर आप इस दिए को रखकर जला दें। दिया जलाते समय माँ लक्ष्मी से धन हानि से बचाने की प्रार्थना करें। जब यह दिया शांत हो जाए तब आप इस दिए को ले जाकर होलिका की अग्नि में श्रद्धापूर्वक डाल दें और फिर होलिका की 7 परिक्रमा करें। फिर माँ लक्ष्मी से धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कई दिनों से कहीं पर अटका हुआ धन है परंतु बहुत प्रयासों के बाद भी व्यक्ति धन नहीं लौटा रहा है, तो जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाता है वहां पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास आपका धन है।
उसके बाद आप उस स्थान पर हरे रंग का थोड़ा सा गुलाल डाल दें। जब होलिका दहन हो जाए तो अगले दिन उस स्थान की राख लाकर आप उसे बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। मान्यता है इससे आपका अटका हुआ धन जल्दी ही वापस मिल जाएगा और आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। ध्यान रखें, महिलाएं पीरियड के दौरान कोई भी उपाय ना करें। दोस्तों, होलिका दहन के पावन पर्व पर आप इन उपायों को अवश्य ही करें और इनसे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।